मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से लगभग आप सभी खिलाड़ियों का नाम कंफर्म हो चुके हैं जिन्हें एमआई की टीम में आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम में रिटेन करते हुए और अपनी टीम से रिलीज करते हुए दिखने वाली है। तो उन सभी खिलाड़ियों के नाम हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं जो कि एमआई की टीम की ओर से निकल कर आ रहे हैं। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े वाले फैन और आप भी चाहते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम जीते आईपीएल 2023 का सीजन, तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप क्रिकेट और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारे कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं रिटेन प्लेयर्स की। आखिर एमआई की टीम आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले हमें कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करते हुए दिखने वाली है? तो दरअसल दोस्तों एमआई की टीम की ओर से कुल 14 खिलाड़ियों के नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जिन्हें एमआई की टीम मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम के अंदर रिटेन करते हुए दिखने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं पहले खिलाड़ी की। उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन हमें एमआई की टीम में रिटर्न होते हुए दिखने वाले हैं। और अगर दूसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन भी हमें रिटर्न होते हुए एमआई की टीम की ओर से दिखने वाले हैं। एमआई की टीम के मैनेजमेंट ने कन्फर्म कर दिया है कि ईशान किशन को टीम हमें मिनी ऑक्शन से पहले अपनी टीम के अंदर रिटर्न करते हुए दिखने वाली है। तो दूसरे खिलाड़ी के तौर पर हम ईशान किशन एमआई की टीम के अंदर रिटर्न होते हुए दिखने वाले हैं। और अगर तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव भी हमें रिटर्न होते हुए दिखने वाले और काफी गजब के फॉर्म में चल रहे अभी तो सूर्य कुमार यादव। तो इसलिए एमआई की टीम हमें इन्हें तीसरे खिलाड़ी के तौर पर रिटर्न करते हुए दिखने वाली है। और अगर चौथे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को भी हमें एमआई की टीम अपनी टीम में रिटर्न करते हुए दिखने वाली है। और अगर पांचवें खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है डेविड ब्रिविस। जी हाँ दोस्तों, डेविड ब्रिविस हमें एमआई की टीम की ओर से रिटर्न होते हुए दिखने वाले। और अगर छठे खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है ट्रेस्टन स्टब्स। जी हाँ दोस्तों, ट्रेस्टन स्टब्स को भी हमें ये टीम रिटर्न करते हुए दिखने वाली। और दक्षिण अफ्रीका के हमें दो खिलाड़ी हुआ एमआई की टीम रिटर्न करते हुए दिखने वाले जिनमें नाम निकल कर आता है डेविड ब्रिविस का और ट्रेस्टन स्टब्स का। और अगर सातवें खिलाड़ी की बात की जाए तो सातवें खिलाड़ी के तौर पर हमें जॉफ्रा आर्चर एमआई की टीम में दिखने वाले। जी हाँ दोस्तों, जॉफ्रा आर्चर भी हमें रिटर्न होते हुए एमआई की टीम की ओर से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉफ्रा आर्चर पर अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है कि एमआई की टीम इन्हें रिटर्न करेंगी या फिर नहीं, लेकिन दोस्तों एमआई की टीम आईपीएल 2023 का जो मिनी ऑक्शन होने वाला है दिसंबर, उससे पहले यानी कि नवंबर के अंदर हमें जॉफ्रा आर्चर से कॉन्टैक्ट करते हुए दिखने वाली। और जॉफ्रा आर्चर को पूछने वाली है एमआई की टीम कि वो आईपीएल 2023 के सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे या फिर नहीं। उसी के तौर पर हमें फिर जॉफ्रा आर्चर रिटर्न होते हुए या फिर रिलीज होते हुए एमआई की टीम की ओर से देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रिटर्न होने के हमें जॉफ्रा आर्चर रिटर्न होते हुए देख सकते हैं एमआई की टीम की ओर से। और अगर आठवें खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है तिलक वर्मा। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा जैसा कि युवा खिलाड़ी भी हमें एमआई की टीम के अंदर रिटर्न होते हुए दिखने वाला है। और अगर नौवें खिलाड़ी की बात की जाए, नंबर 9 पर हमें टीम डेविड रिटर्न होते हुए एमआई की टीम के अंदर दिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एमआई की टीम ने इनका भी नाम कन्फर्म कर दिया है, हमें टीम डेविड भी एमआई की टीम की ओर से रिटर्न होते हुए दिखने वाले हैं। वैसे आप लोग इंटरेस्टेड हो या फिर नई टीम डेविड को लेकर तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आप में से काफी लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप हमारे मुंबई इंडियंस की टीम से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं दसवें खिलाड़ी की जो कि हमें रिटर्न होते हुए दिखने वाला है एमआई की टीम की ओर से। उस खिलाड़ी का नाम है संजय यादव। जी हाँ दोस्तों, संजय यादव भी हमें एमआई की टीम की ओर से रिटर्न होते हुए दिखने वाले। हालांकि इनको मौका नहीं मिला एमआई की टीम के अंदर, लेकिन दोस्तों जो आईपीएल के बाद में जो डोमेस्टिक मैचेस हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस संजय यादव का रहा था, तो संजय यादव को हमें रिटर्न करते हुए एमआई की टीम दिखने वाली है। और अगर 11वें खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है राइली मैरीदीत। जी हाँ दोस्तों, राइली मैरीदीत भी हमें एमआई की टीम की ओर से रिटर्न होते हुए दिखने वाले हैं। और अगर 12वें खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है ऋतिक शौकीन। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक शौकीन को काफी मौके मिले थे एमआई की टीम के अंदर आईपीएल 2022 के सीजन में, और एक बार फिर से हमें रिटर्न करते हुए हमें एमआई की टीम ऋतिक शौकीन को दिखने वाली। और वहीं अगर नंबर 13 खिलाड़ी की बात की जाए, 13वें और 14वें खिलाड़ी की, तो 13वें खिलाड़ी के रूप में हमें रमनदीप सिंह रिटर्न होते हुए दिखने वाले। जी हाँ दोस्तों, रमनदीप सिंह गेंदबाजी काफी अच्छी कर रहे थे एमआई की टीम के लिए आईपीएल 2022 में, तो इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए हमें एमआई की टीम रमनदीप सिंह को भी रिटर्न करते हुए दिखने वाली है। और 14वें और आखिरी खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है फैबियन एलन। जी हाँ दोस्तों, फैबियन एलन को भी हमें एमआई की टीम रिटर्न करते हुए देख सकती है। और दोस्तों, अगर रिलीज प्लेयर्स की बात की जाए, आखिर हमें एमआई की टीम की ओर से आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन से पहले कौन से खिलाड़ी रिलीज होते हुए दिखने वाले हैं? तो दोस्तों, उन खिलाड़ियों की भी लिस्ट लगभग निकल कर सामने आ चुकी है। पहले बात कर लेते हैं पहले खिलाड़ी की। उस खिलाड़ी का नाम है कायरन पोलार्ड। जी हाँ दोस्तों, कायरन पोलार्ड को हमें एमआई की टीम अपनी टीम से रिलीज करते हुए देख सकती है। जी हाँ दोस्तों, कायरन पोलार्ड हमें मिनी ऑक्शन से पहले बिकते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ा अपडेट एमआई की टीम की ओर से
निकल कर आ रहा था। मैं कह रहा हूँ पोलार्ड को एमआई की टीम गुजरात की टीम में ट्रेड करते हुए देख सकती है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की टीम ने प्रपोजल दिया था एमआई की टीम को कह रहा पोलार्ड की ट्रेड के लिए, और इस पर अभी कन्फर्मेशन नहीं आई है। अगर पोलार्ड गुजरात की टीम में जाते हैं तो फिर गुजरात की टीम से हमें कोई एक बड़ा खिलाड़ी एमआई की टीम के अंदर आते हुए दिखने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, एमआई की टीम को कह रहा पोलार्ड को ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं अपनी टीम से? और अगर कह रहा पोलार्ड गुजरात की टीम में जाते हैं तो फिर एमआई की टीम को गुजरात टाइटन्स की टीम का कौन सा खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल करना चाहिए? तो आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करका जरूर बताना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे रिलीज प्लेयर की, जो कि हमें एमआई की टीम की ओर से होते हुए दिखने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है बेसल थम्पी। जी हाँ दोस्तों, बेसल थम्पी को भी हमें एमआई की टीम अपनी टीम से बाहर करते हुए दिखने वाली है, क्योंकि बेसल थम्पी काफी महंगे साबित होते हैं डेथ ओवर्स में। और जो पहला और दूसरा ओवर डालते हैं अपनी ओवर्स का, तो बेसल थम्पी काफी महंगे साबित होते हैं। तो इसलिए एमआई की टीम एक अच्छा खासा गेंदबाज खरीदने का ट्राई करने वाली है मिनी ऑक्शन के अंदर। और अगर तीसरे खिलाड़ी की बात की जाए, उस खिलाड़ी का नाम है जयदेव नाथकट। जी हाँ दोस्तों, जयदेव नाथकट की भी अब काफी पिटाई हो रही है आईपीएल के अंदर, और एमआई की टीम ने तो कंफर्म कर दिया कि टीम हमें जयदेव नाथकट को अपनी टीम से बाहर करते हुए दिखने वाली है। तो हमें उनादकट भी एमआई की टीम की ओर से बाहर होते हुए दिखने वाले है। और दोस्तों, एमआई की टीम ज्यादा गेंदबाजों को अपनी टीम से हमें रिलीज करते हुए दिखने वाली है, क्योंकि गेंदबाजों का काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था एमआई की टीम के लिए, और इतने कुछ खास गेंदबाज भी मौजूद नहीं थे आईपीएल 2022 में एमआई की टीम के पास में। और अगर चौथे खिलाड़ी की बात की जाए, चौथे रिलीज प्लेयर की बात की जाए, तो उस खिलाड़ी का नाम है टाइमल मिल्स। जी हाँ दोस्तों, टाइमल मिल्स भी हमें एमआई की टीम की ओर से रिलीज होते हुए दिखने वाले है। टाइमल मिल्स को एमआई की टीम ने काफी उम्मीदों के साथ में परचेज किया था आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, लेकिन काफी खराब परफॉर्मेंस रहा था टाइमल मिल्स का एमआई की टीम के लिए, क्योंकि दोस्तों इनकी भी इकोनॉमी काफी हाई हो गई थी और काफी महंगे साबित हो रहे थे टाइमल मिल्स भी। और एमआई की टीम एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज को हमें परचेज करते हुए मिनी ऑक्शन के अंदर दिखने वाली है। और अगर पांचवें खिलाड़ी की बात की जाए, जो कि हमें एमआई की टीम की ओर से रिलीज होते हुए दिखने वाला है, उस खिलाड़ी का नाम है डेनियल सैम्स। जी हाँ दोस्तों, डेनियल सैम्स को भी ये टीम अपनी टीम से हमें बाहर करते हुए देख सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, एमआई की टीम को कौन से खिलाड़ी को रिटर्न करना चाहिए और कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम से रिलीज करना चाहिए? तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आओ तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।